अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू चिकन कटलेट्स। चलिए आइए देखते हैं इसे बनाते कैसे। ये देखिए, एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल गरम कर ली हूँ। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरा थोड़ा सा हल्का फ्राई हो जाए। ये देखिए, ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून इसमें मैदा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भून लेंगे मिक्स करके अच्छे से। गैस को हमें स्लो रखना है, नहीं तो हमारा मैदा जल जाएगा। गैस की आंच को एकदम स्लो कर दें इस वक्त। ये देखिए, मैदे को हमने अच्छे से भून लिया है इसमें। अब मैं इसमें एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्ची ली थी और एक बड़ी साइज़ के गाजर को बारीक चॉप कर ली हूँ, वो भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी हम इसमें 1/2 टीस्पून ग्रीन चिल्ली का पेस्ट डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक भी ग्रीन चिल्ली के साथ ही डाल के इसे पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, हमने सब मिर्ची और नमक को इसमें अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम इसे ढक्कन ढक के 5 मिनट के लिए पका लेंगे और इसे बीच बीच में उलट पलट करते रहेंगे। 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसे 5 से 7 मिनट हो गया है पकते हुए। ये देखिए, हमारा मसाला अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। मसाला अच्छे से नरम हो के देखो एकदम गल गया ये। हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को मैंने ये देखिए, चिकन मैंने 1 कप, ये बॉयल्ड चिकन है, इसको मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डाल करके पानी में थोड़े से बॉईल करके इसका पानी सुखा ली थी और इसी को मैंने पूरे इसके रेशे अलग कर ली हूँ बारीक इस तरह से और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम अभी। ये देखिए, चिकन को मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसे ढक्कन ढक के 2 मिनट के लिए पकने दूँगी। 2 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे चिकन को इसमें पकते 2 मिनट हो गया है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। ये मैंने 3 आलू मीडियम साइज़ के बॉईल करके इसे मैश कर ली हूँ। इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, आलू को भी मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब हम इसे फिर से स्लो पे, इसे हमें गैस को याद रखें स्लो ही रखना है, फास्ट नहीं करना, नहीं तो आपका मसाला जल जाएगा। इसीलिए हम इसको ढक्कन ढक करके 2-3 मिनट के लिए दम ले लेंगे। ये देखिए, इसे 5 मिनट हो गए हैं। हम इसका ढक्कन हटा के अभी एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए, इसमें हल्की हल्की भाप आ रही थी, मतलब ये अच्छे से एक दूसरे में मिक्स होकर गर्म हो गया है, पक गया है। अब हम इसका गैस बंद कर देंगे और इसमें चीज़ डाल देंगे। ये मेरी 1 क्यूब चीज़ है और एक इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ को ग्रेट कर दी थी थोड़ी सी। अब हम इसे मिक्स कर लेना है। याद रहे, हमें इसका गैस बंद करने के बाद इसमें चीज़ डालना है और इसे मिक्स करना है। ये देखिए, मैंने चीज़ को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल करके ठंडे के लिए रख दूँगी। याद रहे, हमें इसका इसे कटलेट्स बनाने के लिए हमें इसे स्लो गैस पे ही बनाना है, नहीं तो मसाला जल जाएगा इसका, क्योंकि हम इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करते हैं, इसे इसी में गलाते हैं, इसीलिए हमें गैस को स्लो रखते हुए इसे बनाना है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल के ठंडे को रख देती हूँ। ये देखिए, हमारा मसाला भी रेडी हो गया, ठंडा हो गया ये। और यहाँ पे मैंने 2 अंडे को फेंट ली हूँ, 2 चुटकी नमक डाल के। थोड़े से ब्रेड क्रम ली हूँ मैंने। अब हम ऑयल लेके अपने हाथों पे लगाएंगे और इसमें से थोड़ा लेंगे। इसे शेप दे देंगे अच्छे। आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं।
ये देखिए इस तरह से मैंने दियो। अभी हम इसे अंडे में डालेंगे। देखिए अब इसे इस तरह से निकाल लेंगे और अभी हम इसे ब्रेड क्रम्ब में डालेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे हमें अच्छे से ब्रेड क्रम्ब में ब्रेड क्रम्ब लगा देना है इसमें इस तरह से। तो इसे अभी हम एक साइड रखेंगे ट्रे में। ये देखिए इस तरह से अभी हम सारे को बना लेंगे। ये देखिए हमने सारे बना करके रेडी कर लिए हैं। अगर आपको इसे फ्रीज करना है तो आप इसे एक महीने के लिए इसी तरह से बना करके ज़िपलॉक बैग या एयरटाइट डब्बे में डाल करके फ्रीज कर दिए, ये 1 मंथ तक चलेगा। चलिए आइए हम इसे अभी फ्राई करते हैं। देखिए एक पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया। अब हम इसमें एक एक करके कटलेट डालेंगे। ये थोड़ा हमारे गोल्डन हो जाए फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए इसमें हल्का गोल्डन कलर आ गया। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये हल्का गोल्डन कलर इसके दूसरे साइड पे भी आ जाए फिर हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए इसमें दोनों साइड से कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे आलू चिकन के कटलेट्स बन करके तैयार है। इसे मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।